हे गाइस, कैसी हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं पूजा, आप सबको मेरी अन्नपूर्णी किचन हिंदी में करती हूँ स्वागत। आज की ये वीडियो पर आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ गुड़ वाले नारियल के लड्डू। ये बहुत मुलायम और स्वादिष्ट बनते हैं। ज़्यादातर लोग ये लड्डू को बहुत पसंद करते हैं। बेंगल में ये बहुत फेमस है और लक्ष्मी पूजा के दिन ये नारियल के लड्डू को भोग लगाते हैं। ये बनाना बहुत आसान है और बहुत ही कम वक्त में तैयार भी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए आज की रेसिपी को देख लेती हूँ और अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज का ये रेसिपी करने के लिए मैंने इधर एक मीडियम साइज़ की नारियल ले लिया और इसको अच्छे से वॉश कर लिया। अभी नारियल की दो टुकड़े कर लेंगे। जिस स्क्रैपर से नारियल को स्क्रैप करेंगे उसके पीछे वाले पोर्शन से नारियल को दो टुकड़े कर लेती हूँ। नारियल की दो टुकड़े हो चुकी है और इसके अंदर का जो पानी है उसको एक बॉल पर स्टोर कर लिया। इसको अब फेंकना नहीं है, बाद में ये भी बहुत काम आएगी। अभी हम नारियल को स्क्रैप कर लेंगे। पूरा नारियल को स्क्रैप करने के बाद इधर लगभग एक प्लेट स्क्रैप वाले नारियल हुआ है। अभी हम लड्डू पकाने के लिए एक कढ़ाई में स्क्रैप वाले नारियल को डाल देती हूँ। नारियल को डालने के बाद नारियल के अंदर का जो पानी स्टोर करके रखी थी उसको अभी यहाँ पर डाल देती हूँ। ये पानी डालने से लड्डू की जो बाइंडिंग है वो भी बहुत ही अच्छे होते हैं। और इधर मैं 150 ग्राम्स गुड़ डाल देती हूँ। मैंने मीडियम से एक नारियल के लिए 150 ग्राम्स गुड़ डाल दिया। आप शुगर या फिर गुड़ जिस चीज़ से ये लड्डू तैयार करेंगे उसकी मेजरमेंट ठीक होना चाहिए, नहीं तो लड्डू अच्छे से बाइंड नहीं होगे। गुड़ अच्छे से मेल्ट होने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पर लगभग 5 से 10 मिनट तक हिलाना है, नहीं तो नारियल जल जाएगी। फाइव टू 10 मिनट के बाद नारियल बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुकी है। ये अच्छे से सेट होगी नहीं, ये देखने की एक और तरीका है। देखिए फ्रेंड्स, जब नारियल इस तरह कढ़ाई से उठ कर आ रही है इसका मतलब ये अच्छे से पक चुकी है। और अभी हाथों से थोड़ा सा बाइंड करके देख लेंगे लड्डू अच्छे से बाइंड हुआ कि नहीं। ये बहुत ही अच्छी तरीके से बाइंड हो चुकी है, इसका मतलब हमारा नारियल परफेक्ट तरीके से पक चुकी है। अभी हम एक बॉल पर नारियल को उतार लेती हूँ। नारियल को उतारने के तुरंत इसका गर्मा गर्म ही लड्डू तैयार करना है। ये अगर ठंड हो जाएगी तो लड्डू की शेप अच्छी नहीं होगी। हाथ को पानी में थोड़ा सा भिगो के ये लड्डू तैयार करेंगे तो लड्डू की शेप और भी अच्छी आएगी। और फ्रेंड्स, देखिए गर्मा गर्म ये लड्डू तैयार करने से ये लड्डू कितना खूबसूरत एक शेप तैयार हो चुकी है। इस तरह मैं सभी लड्डू को तैयार कर लिया। सो फ्रेंड्स, मेरे आज का ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, आज ही रुकते हो, फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ। अच्छी रहे, बाय।